Assalamu alaikum students, this is your educator from Grammar Unit channel and welcome you once again on my YouTube channel. Okay, so this is the second video of fixed preposition. और जैसा कि आपको पता है कि fixed prepositions तो हम कर ही रहे हैं and पता है ना कि दो तीन areas बहुत ज़्यादा exam के hot favorite होते हैं and first one is fixed preposition. इससे तो error आता ही आता है, कोई भी exam है, जैसा भी exam है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और उसके बाद में आपका एरर आएगा मोडल वर्ब से एंड एक्टिव पैसिव एंड नरेशन तो फिर है ही हमारे पास. ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहाँ से इंग्लिश ग्रामर में एरर पूछे जाते हैं. कोई भी एग्ज़ाम आता है, आप चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो आप अपना इंटरमीडिएट का दे रहे हो, बीए का दे रहे हो, बहुत सारे बच्चों को देखा है कंफ्यूज होते हैं. ये तो सर कुछ पीपीएससी और सीएसएस की तैयारी करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. जो दूसरे बच्चे हैं जो प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं उनके लिए भी इंग्लिश इज़ इंग्लिश फॉर एवरीवन. इंग्लिश कहीं से भी एरर आ सकता है. आप देखोगे बीए में आपके पास कॉमन एरर्स आते हैं, कॉमन एरर्स भी आते हैं बीए में आपके पास, और आपके पास करेक्शन भी आती है. आपको उनमें से वो फाइंड आउट करना होता है. और आपके पास सेकेंड ईयर में भी जो है वो आपके पास सारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होता है उसमें सारी ग्रामर यही पूछी जाती है. वो यू नेवर नो कि वो कहाँ से पूछ लेते हैं, वो कोई भी एरर पूछ सकते हैं कंजंक्शन का, फिक्स्ड प्रपोजिशन का. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिक्स्ड प्रपोजिशन की सीरीज को. एंड वन थिंग मोर, मैं आपको इंडिविजुअल प्रपोजिशंस भी प्रोवाइड करूँगा इस प्लेटफॉर्म पे. इस प्लेटफॉर्म पे हम हर एक चीज़ को करेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे CSS, PMS, PPSC, FPSC, NTS, ये सारे एग्जाम्स एंड MDGAT एज वेल. ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली वोकेबलरी और ये वाली सारी जो ग्रामर है यहाँ पे उन एग्जाम्स को निकालने के लिए. चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड आज फिर फिक्स प्रपोजिशन, और फिक्स प्रपोजिशन का आज सेकेंड पार्ट. इससे पहले जा कर के देखना एक फिक्स प्रपोजिशन का पार्ट मैंने डाला हुआ इस चैनल के ऊपर. नाउ कम टू द फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ हार्मफुल. सबको मीनिंग पता होगा होपफुली. हार्मफुल का मतलब होता है कोई भी चीज़ खतरनाक, खतरनाक की सेंस में, कोई भी चीज़ खतरनाक है. हार्मफुल है मतलब वो क्या है, वो डेंजरस है, डेंजरस है. कोई भी चीज़ आपके पास हार्मफुल है, डेंजरस है, परनीशियस है. परनीशियस का मतलब भी होता है खतरनाक, परनीशियस है, पेनफुल है. और एक चीज़ और यहाँ पे आप सीखोगे, वोकेबलरी भी सीख रहे हो. फिक्स प्रपोजिशंस तो हैं, देखो वोकेबलरी जितने भी वर्ड्स हैं मोर और लेस सेम मीनिंग्स के जो वर्ड्स हैं यहाँ पे मैं आपको दूंगा, और जो सारे के सारे वर्ड्स एक ही प्रपोजिशन लेते होंगे. बहुत से बुक्स को खोला है, बहुत सी जगहों से देखा, और ये सारे वर्ड्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे अब आप स्टूडेंट्स को ना 40-50% मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टीचर आपका काम कर ही दे रहे हैं. टीचर क्या कर रहे हैं ना कि सारा जो सिलेबस है इंपॉर्टेंट वाला उसको पाइल अप करके आपको दे रहे हैं. एंड दीज वर्ड्स यूज़ भी होते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली इन योर डेली लाइफ. डेली लाइफ के अपनी जो प्रोफेशनल डिग्रीज से आप रिलेटेड हो, जो आप इंडल्ज हो उसमें, ये सब उनमें यूज़ होते हैं. परनीशियस, पेनफुल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल लिख सकते हो. वैसे तो हजार्डस का मतलब भी खतरा, डेट्रीमेंटल, परनीशियस, क्या लिखोगे अब, लिख सकते हो इसमें, लिख सकते हो आप पेनफुल लिख लिया है, हैजार्डस लिख लो, हैजार्डस, डेट्रीमेंटल, पेनफुल, परनीशियस, सबका मतलब खतरा. मेनस भी लिख सकते हो, मेनस, थ्रेट करना, किसी को डराना, धमकाना, इंटीमिडिएट करना, मेनस करना, ये सबका मतलब खतरा. सबका मतलब खतरा, खैर मैंने थोड़े से एडजेक्टिव भी अंदर डाल दिए. सबका मतलब खतरा है, इसका मतलब है सारे वर्ड्स अपने साथ एक ही प्रपोजिशन लेंगे, दैट इज टू, टू की प्रपोजिशन लेंगे. पेनफुल टू, हार्मफुल टू, डेंजरस टू, इंजुरियस भी लिख लो. स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है. सो ये नहीं देखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये डेंजरस एडजेक्टिव है, इसी तरह से हैजार्डस एडजेक्टिव है. जो वर्ड्स OUS पे एंड करते हैं ना, इन शॉर्ट वो एडजेक्टिव होते हैं, और बाकी आपके पास जो है वो परनीशियस भी एडजेक्टिव है, बेनफुल, डेट्रीमेंटल, ये तो नाउन है मतलब हार्मफुल, सब जो है आपके पास नाउन फॉर्म में, वर्ब फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में मिक्स है, लेकिन सबका मतलब सेम है. और भी ऐसे तो और भी बहुत सारे, पैरलस भी है, पैरेलस भी है, सबका मतलब खतरा ही होता है. चलो कम टू द नेक्स्ट वर्ड. फिक्स प्रपोजिशन की सेंस से पढ़ेंगे हम. सेकंड वाला वर्ड है प्रोहिबिट. प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूरी बनाए रखना, किसी भी चीज़ से अपने आप को रोकना, मतलब प्रोहिबिट करना, अवॉइड करना, किसी भी चीज़ से प्रोहिबिट करते हो, डिबार करते हो,
डेटर, हिंडर करना, मतलब हिंडर, हिंडर से हिंडर वर्ब है, और एक वर्ड होता है आपके पास हिंड्रेंस, हिंड्रेंस जो है ये आपके पास नाउन है, नाउन हिंड्रेंस रुकावट, हिंडर रोकना, रुकावट पैदा करना, मतलब हिंडर वर्ब है, तो मैंने ऐसा वर्ब यहाँ पे ले रहा हूँ। वैसे तो आप हिंड्रेंस भी लिख सकते हो, प्रोहिबिट करना, डिबार करना, डेटर, हिंड्रेंस, क्या लिखोगे आप, लिख लो रेफ्रेन करना, एब्सटेन करना, सबका मतलब होता है रोकना किसी भी चीज़ से, अवॉइड करना, अवॉइड करना, स्टॉप तो फिर पता है इजी वाला वर्ड है, रोकना, अवॉइड करना, गार्ड, डिटैच, सबका मतलब रोकना। होपफुली आपको ये वर्ड्स सारे नज़र आ रहे हैं और ये वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एस्केप लिख लो, एस्केप का मतलब भी होता है किसी, मतलब किसी से बचना, किसी चीज़ से बचते हो, किसी चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, प्रोटेक्ट लिख लो यहाँ पे, प्रोटेक्ट करते हो, बचते हो, तो इसका मतलब है आप उस चीज़ से खुद को रोक रहे हो या उस चीज़ को अपने तक आने में रोक रहे हो, रुकावट बन रहे हो या रोक रहे हो, तो सबका मतलब रोकना, सारे वर्ड्स अपने साथ फ्रॉम लेते हैं, फ्रॉम। और रेफरें, ये जो रेफरें है ना और ये जो एब्सटेन है, इनमें स्लाइट सा डिफरेंस है, सटल सा डिफरेंस ये है कि एब्सटेन का मतलब है डॉक्टर ने जैसे आपको एडवाइस दिया है कि अब आपको जो है वो स्मोकिंग से एब्सटेन करना है थ्रू आउट योर लाइफ, बिकॉज आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अब आपको स्मोकिंग से एब्सटेन करना है, तो आपको वो लंबे अरसे तक एब्सटेन करना पड़ेगा अनटिल और अनलेस जब आपकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं होती है। और रेफरेंट का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ से थोड़ी देर के लिए भी आप दूरी इख्तियार कर सकते हो, ठीक है, किसी चीज़ से थोड़ी देर के लिए दूरी इख्तियार करना रेफरेंट, और लंबे अरसे तक तो एब्सटेन। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पर एक वर्ड होगा, क्या लिखा मैंने, अवॉइड, अवॉइड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, अवॉइड अपने साथ नो प्रेपोजिशन, बाकी सारे वर्ड्स अपने साथ फ्रॉम की प्रेपोजिशन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स करके लिख दिया, अलग से लिखना चाहिए था। तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ फ्रॉम की प्रपोजिशन लेंगे, ये सारे वर्ड्स टू की प्रपोजिशन लेंगे, अवॉइड अपने साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। एंड वन, एक और चीज़, थोड़े से वर्ड्स हम लाफ के भी करते हैं, लाफ का मतलब होता है हंसना, हंसना मतलब मुंह खोल के हंसना, आप हंसते हो, आप क्या करते हो, ग्रिन करते हो, आप चक्कल करते हो, चक्कल का मतलब भी होता है हंसना, ग्रिन करना, मॉक करना, स्माइल करना, डिफरेंट काइंड ऑफ हंसी होती है ये, मतलब जैसे लाफ में आप हंसते हो मुंह खोल के, ग्रिन में आप हंसते हो दांत दिखा करके हंसते हो, चक्कल में तो आप दांत दबा करके हंसते हो, एंड मॉक में आप किसी की खिल्ली उड़ाने के पर्पज़ से हंसते हो, किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को सार्कैज़म दिखाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हंसते हो। और स्माइल करना मतलब मुस्कुराना, और स्माइल, ये सारे वर्ड्स अपने साथ कौन सी प्रेपोजिशन लेंगे, सारे वर्ड्स अपने साथ एट की प्रेपोजिशन लेंगे, एट, स्माइल एट, लाफ एट, ग्रिन एट, ये सारे वर्ड्स अपने साथ ऐड की प्रेपोजिशन लेते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखनी है कि स्माइल अपने साथ ऐड की प्रेपोजिशन लेता है, और जब स्माइल अपने साथ ऐड की प्रेपोजिशन लेगा वहाँ पे वो मतलब हंसी की सेंस में, मुस्कुराने की सेंस में, लेकिन कभी कभी स्माइल अपने साथ ऑन की भी प्रेपोजिशन लेता है, ये देखो, कभी कभी स्माइल अपने साथ ऑन की प्रेपोजिशन लेगा, ऐसा मैंने सेंटेंस लिखा, फेट After a long time, fate smiles on him. जब वो स्माइल अपने साथ ऑन की प्रपोजिशन लेगा वहाँ पे उसका मतलब होगा किसी के ऊपर, मतलब मेहरबान होना, किसी के ऊपर आप सिंपथी दिखा रहे हो, किसी चीज़ का किसी और चीज़ के ऊपर मेहरबान होना, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के बाद फेट जो है वो मेहरबान हो चुकी थी किसके ऊपर, हिम के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पर स्माइल एट लिखता ना तो स्माइल एट का मतलब अलग चला जाता, उसका मतलब होता हंसना, स्माइल का सिंपली मतलब होता है हंसना, और स्माइल के साथ एट की प्रपोजिशन आती है इंग्लिश ग्रामर में, लेकिन जब स्माइल के साथ ऑन की प्रपोजिशन आ जाती है तो ये फिर एक वर्ब नहीं बनता, ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है, और फ्रेजल वर्ब का मतलब टोटल डिफरेंट होता है। और आने वाली सीरीज़ में मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स की वीडियोज़ भी दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पेपर में देखा जा सकता है आपके पेपर में। एंड इंडिविजुअल्स प्रपोजिशंस तो हम करेंगे, कुछ ऐसा एरिया जो इंडिविजुअल प्रपोजिशंस में भी हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एरियाज को। तो अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर भी करना है अमंग योर फ्रेंड्स, एंड चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।